रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम चिकन के शामी कबाब ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उसके लिए जो अज़ा हमें लगेंगे वो यहाँ पर है। देखिए ये है 1/2 kg चिकन, बोनलेस हमने ली है, बहुत अच्छे से धो लिया है, इसको साफ़ करके और छोटे पीसेस में काट लिया है। ये चने की दाल है 100 ग्राम के करीब, इसको भी हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया है, धोकर फिर भिगोया है। और कुछ खड़े मसाले जो हमने यहाँ पर लिए हैं उसमें है ये 3 अदद सूखी लाल मिर्च है, धनिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा है, ये बड़ी वाली इलायची मसाला वेलची या मसाला इलायची जिसे कहते हैं काली इलायची, ये काली मिरी है 1 चम्मच, 3 हरी इलायची है, 5-6 लौंगे हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। इसको हम दरदरा सा पीस देंगे और शामिल करेंगे। ऐसे ही मिलाएंगे तो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है और काली मिरी वगैरह जो अक्खी रह जाती है, पीसी नहीं जाती। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये दो अदद अंडे लिए हमने, अगर लगेंगे तो 2 अदद डालेंगे वरना फिर 1 डाल कर देखते हैं, अगर पतला हो गया तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे बहुत क्रिस्प होते हैं कबाब और अच्छे बनते हैं। ये हमने 1 बड़ी प्याज ही इसको टुकड़ों में काट लिया है, ये 1 लहसुन का जुआ है, अखा लहसुन था उसको छील लिया है, ये अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा था इसे बारीक काट लिया, टुकड़ों में काट लिया है। और ये जो चीज़ें हैं, पुदीना है, हरा धनिया है, प्याज है और हरी मिर्च है, ये बाद में हम लोग जब कबाब का आटा तैयार हो जाएगा तब उसमें ऐसे ही काट के मिला देंगे। ये 2 अदद जो है बोनलेस हमने जब किया था चिकन को तो ये ब्लैक पीस थे, तो इसको उसका बोन जो है अलग हो गया और ये हमने जो है बोनलेस पीस जो है निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसके अंदर चेंज ये करेंगे कि पहले ये दोनों जो है, ये थोड़ा सा बोन है, ये बोन को हम कुकर में डाल के थोड़ा पानी डाल के ये जो अदरक लहसुन और प्याज है ये शामिल कर देंगे और 1 सीटी देने के बाद में उसको निकाल के और ये हड्डियाँ सब फेंक देंगे और फिर ये दाल शामिल करेंगे और ये पीसे हुए मसाले शामिल करेंगे। तब सबसे पहले हम लेते हैं कुकर और कुकर में जो है ये हड्डियाँ डालते हैं और हड्डियाँ डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे 1 सीटी आने तक पकने देंगे, इसके बाद आपको दिखा। नाजरीन, हमने इसमें ये हड्डियाँ डाल दी है बोन के, इसके जो पहले पीस के हड्डियाँ हैं वो डाली है और अब इसमें हम क्या करते हैं, प्याज भी डाल देते हैं और लहसुन डाल देते हैं और अदरक डाल देते हैं और नमक थोड़ा डालेंगे, नमक कबाबों के लिए भी लगेगा, ऑयल भी लगेगा हमें, हम थोड़ा नमक इसमें अभी डाल देते हैं और उसको 1 सीटी देकर आप फिर आपको खोल के दिखाते हैं। नाजरीन, हमने कुकर में से हड्डियाँ निकाल ली है, अब इसमें थोड़ा स्टॉक है, ये 100 ml के करीब है। अब इसमें हम ये चने की दाल डाल देते हैं और चने की दाल को भी हम 1 सीटी दे के बंद करेंगे और फिर इसमें मटन गोश्त मिलाएंगे। नाजरीन, हमने ये चने की दाल कुकर में डाल दी है और ये जो हमने मसाले आपको बताए थे, गरम मसाले और मिर्ची वगैरह, ये हम इसमें डाल देते हैं। नमक हमने पहले डाला है और बाद में अगर ज़रूरत लगी तो नमक हम फिर मिलाएंगे। अब इसको क्या करना है कि 1 सीटी देखिए इसको बंद करना है, ये इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि जो चिकन है वो बहुत जल्दी गल जाती है और चने की दाल जो है थोड़ी सी हमारी कच्ची रह जाती है। तो इस अगर गोश्त के बना रहे हैं आप तो पहले आप गोश्त को इस तरह से थोड़ा सा गला लो और उसके बाद चने की दाल मिलाओ 1-2 सीटी के बाद, तो आपका जो है परफेक्ट बनेगा कबाब का जो मसाला है। और अगर आप चिकन के बना रहे हो तो इस तरह से करो कि पहले चने की दाल को थोड़ा गला लो और उसके बाद में फिर जो है आप चिकन डालो। तब हम यहाँ पर ये चिकन को रखते हैं, इसको दाल को रख देते हैं, 1 सीटी लेते हैं और उसके बाद में आपको ये चिकन शामिल करके दिखाते हैं। नाजिन, कुकर को 1 सीटी हमने लगा ली थी कुकर में और अभी ये जो है दाल थोड़ी सी अधकचरी हो गई है, अब इसमें हम ये चिकन मिला देते हैं, इसमें दर मान नहीं, थोड़ा सा नमक हम शामिल करेंगे इसमें अभी, और नमक हमने मिलाया है लेकिन थोड़ा सा भी गोश्त के हिसाब से, चिकन के हिसाब से मिला देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अभी 2 सीटी देते हैं और फिर उसको देखते हैं, अगर पानी नहीं सूखेगा तो खोल के पकाएंगे पानी सूखने तक, और अगर पानी सूख जाता है तो फिर इसको उतार के ठंडा कर लेंगे और फिर पीसेंगे। नाजरीन, ये कुकर का हम ढक्कन हमने खोल लिया है और थोड़ा सा इसको खुला रख के हमने पका लिया, इसका पानी जो है सूख गया है अभी और चने की दाल और ये जो चिकन है बहुत अच्छे से गल गया है, काफ़ी अच्छा गल गया है, मतलब ऐसे चम्मच से भी ये जो है वो टूट रहा है और चने की दाल भी बहुत अच्छे से गल गई है। अब इसे हम ठंडा करेंगे और इसे पीस लेंगे और पीसने के बाद में आप नाजिन, हमने ये जो है शामी कबाब का मसाला जो है पूरा पीस लिया है दाल और चिकन को और अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, तो इसके लिए हम इसमें अब अंडा मिला रहे हैं। पहले एक मिला के देखते हैं, अगर हमको लगा कि सही है तो फिर हम इसमें
दूसरा नहीं मिलाएंगे, और अगर ये फिर भी हमको सख्त लगा आटा तो हम इसमें और एक अंडा मिला देंगे। और इसके अलावा हमने इसमें जो है ये सब चीज़ें मिलानी है हमको। इसमें है हरा धनिया, पुदीना, और ये पुदीना है पत्तियाँ पुदीने की, ये मिलाएंगे। ये हरा धनिया मिला देंगे, और ये प्याज है ये भी मिला देंगे बारीक कटी हुई, और ये हरी मिर्चें हैं, ये तीन हरी मिर्चें हमने बारीक काटी है ये भी मिला देंगे, और ये बाकी की जो है प्याज हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अभी देखते हैं, अच्छे से मिक्स करके बताते हैं आपको, अगर लगा अंडा तो हम डालेंगे वरना नहीं डालेंगे, और फिर आपको फ्राई करके दिखाते हैं। नाज़रीन, हमने ये एक अंडा और इसमें मिला लिया है, और खूब अच्छे से इसको आटे की तरह से गूंद लिया है, और बहुत अच्छा बैटर इसका ये जो तैयार हुआ है आटा, बहुत अच्छा कबाब का तैयार हुआ है। अब हम इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, और जैसे शेफ की आपको चाहे, आप राउंड में बना सकते हैं, लम्बूतरे बना सकते हैं, या जैसे आपको लैसे भी बना सकते हैं, जो शेप में आपको चाहिए आप इसे बना सकते हैं, और पतले मोटे। और इस तरह से बना के आप क्या करें, उसको एक शीट पे रख दें या प्लास्टिक शीट पे रख दें, और उसको फ्रीज़र में रखने के बाद में थोड़े से ये सख्त हो जाए तो आप इसको प्लास्टिक की एयर टाइट थैलियों में भर के रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो, जैसे 15 दिन तक में भी ये ख़राब नहीं होते, और आप जो है जब भी आपको ज़रूरत हो आप पैकेट निकालें, थोड़ी देर उसको नॉर्मल होने दें, और फिर उसको फ्राई कर लें। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इस तरह से गरम गरम ताज़े ही बनाकर खा लें। तो ये हम जो तैयार कर लेते हैं, और फिर इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे हम, इसको शैलो फ्राई करेंगे, कम ऑयल में ही हम तलेंगे इसको। हमने यहाँ ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, और अभी आपको हम फ्राई करके दिखाते हैं। नाज़रीन, ये ऑयल गर्म हो गया है, और इसमें हम ये कबाब जो है छोड़ रहे हैं। मीडियम हीट पर इसे फ्राई करना है। बनाते जाएंगे और यहाँ पर फ्राई होते जाएंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सुनहरे तल के हम निकाल लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमने इसे पलट लिया है, और ये अच्छी तरह से सिकने चाहिए, क्योंकि हमने इसमें कच्चा अंडा डाला है, तो ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाना चाहिए। तब थोड़ी सी आँच हमने स्लो कर दी है, और ये थोड़ी देर तक हो जाएंगे, थोड़ी देर दोनों तरफ से अच्छे सुनहरे हो जाएंगे, तब आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। नाज़रीन, हमने ये कबाब जो है तल लिए हैं, और बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।